हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हम सबके लिए बोलने के लिए तो नया सब्जेक्ट है, बट एथिक्स में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं मोर और लेस हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन यूनिट है। जैसे कि मैं अपने बाकी वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट होती है वो बेसिकली आगे का पूरा रोड मैप रखती है, विजन रखती है। फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी लेंदी होती है, बट अगर फर्स्ट यूनिट समझ ली जाए तो अराउंड हम लोगों का 30 से 40% सिलेबस कवर हो जाता है। फर्स्ट यूनिट में हम बेसिकली चार पांच चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रो, जहाँ पे आप समझेंगे एथिक्स आया क्या है, एथिक्स है क्या, एथिक्स क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा एडवांटेजेस टू अ कंपनी एथिक्स की, एथिक्स के एलिमेंट्स, कुछ थ्योरीज, एथिक्स से रिलेटेड थोड़े से मिथ्स, या फिर मिथ्स को मैं मिसकंसेप्शन बोल सकता हूँ, या फिर उसके अलावा ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ जो एथिक्स को लेकर सोसाइटी में मिलती है, वो मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मेरा पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड इसको समझ के चलेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप लोग वीडियो भी देख लोगे तो आपको आराम से आइडिया भी मिल जाएगा एंड एग्ज़ाम में इजीली लिख भी पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। एथिक्स सबसे पहले समझते हैं कि एथिक्स होता क्या है एंड एथिक्स है क्या, आया कहाँ से है। एथिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिखने के बजाय हम लोग पहले समझते हैं कि एथिक्स है क्या। देखो, एथिक्स बेसिकली एक स्टडी तो नहीं बोलूँगा, या मैं एक ऐसी चीज़ भी नहीं बोलूँगा। एथिक्स हमें क्या बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ अलग है, गलत है। एथिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मे बी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो एथिकली मेरे लिए करेक्ट हो, बट एथिकली फॉर अनदर पर्सन वो चीज़ सही हो। ठीक है, तो एथिक्स के बारे में हम पहले दो तीन चीज़ें लिख लेते हैं जिससे कि डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये मैंने तीन सब डेफिनेशंस लिखे हैं बेसिकली समझने के लिए कि एथिक्स है क्या। देखो, मैंने सबसे पहले लिखा एथिक्स हैज़ टू डू विथ व्हाट माई फीलिंग्स टेल मी इज़ राइट और रॉन्ग। इसका जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, मैं किसी शॉप पे गया एंड बाय मिस्टेक शॉपकीपर ने मेरे को चेंज में पैसे ज़्यादा दे दिए, तो कई लोगों के अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं, ये चीज़ गलत है, वी शुड रिटर्न द मनी। बट मे भी कईयों के में आ सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये उसकी गलती है, वो हमसे पैसे भी ज़्यादा करता है, एक्स वाई जेड, इसलिए नहीं है। तो एथिक्स बेसिकली मेरे बताता है अंदर की फीलिंग से क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एक चीज़ जो किसी के लिए सही हो दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। इसका मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हिटलर का। कुछ लोग हिटलर को सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। मे बी मैं यहाँ पे उनका एग्जांपल ले रहा हूँ जो हिटलर को गलत मानते हैं, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। हम लोगों ने जैसे कि सपोज कर गॉट अ चांस टू गो इन द पास्ट एंड किल हिटलर जब वो छोटा बच्चा था। अब यहाँ पे अगेन एक चीज़ आ जाएगी, कई लोग तो इसको सपोर्ट करेंगे बोल के कि नहीं, वो आगे जाके काफ़ी ज्यूज़ वगैरह को मारेगा, तो ये चीज़ सही है करना। बट काफ़ी जने ये भी बोलेंगे जब उस छोटे से बच्चे ने अब तक कोई गलती ही नहीं करी तो हम उसे कैसे मार सकते हैं, ये एथिकली रॉन्ग है। तो ये चीज़ है एथिक्स जिसके साथ अब हम पूरे इस सब्जेक्ट में डील करने वाले हैं। उसके बाद एथिक्स हैज़ टू डू विथ माई रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीव्स जो भी मैंने बनाए हैं, वेदर मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इस्लाम फॉलो करता हूँ, एथिक्स का वहाँ पर भी रोल आता है। जैसे कि अगर मैं हिंदू वालों की बात करूँगा, हिंदुज़म वगैरह की, तो वहाँ पर काऊ को वर्शिप करते हैं। अगर कोई काऊ को अटैक करता है तो हिंदू का डायरेक्ट आएगा कि नहीं, ये एथिकली गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, एथिक कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर सोसाइटी एक्सेप्ट्स। बेसिकली जितनी भी मेरी वैल्यूज़ है, मॉरल्स है, वो मेरे सोसाइटी से ही तो आ रहे हैं। तो इसलिए एथिक्स एक उसका ब्रॉड टर्म है जो बेसिकली इन सबको कंटेन करता है एंड बताता है कि लाइक क्या स्टैंडर्ड्स है जो मेरी सोसाइटी ने सेट किए हुए, जिसे वो एक्सेप्ट करेगा। ये समझने के बाद अब मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ एथिक की। एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज विच इज कंसर्न्ड विद द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड विच गाइड्स योर कंडक्ट इन रिलेशनशिप टू अदर्स, वेदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हमने समझ लिया कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स बेसिकली एक सेट है मोरल प्रिंसिपल्स का और वैल्यूज का, जो हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स ही बेसिकली हमको गाइड करता है एंड लाइक जो बोलते हैं ना कि अंदर की आवाज़ अगर बोल रही है कि नहीं सही है तो करो वरना मत करो, बेसिकली एथिक्स ही होता है। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। एथिक्स के बाद हम बेसिकली पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स क्या है, इसके हम लोग फैक्टर्स देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं। अब देखो, जो मेरा बिजनेस एथिक्स है वो बेसिकली दो वर्ड से बना है, बिजनेस और एथिक्स से।
यानी कि वो सारी वैल्यूज, वो सारे प्रिंसिपल्स जो कि मेरे को फॉलो करने चाहिए वाइल कंडक्टिंग अ बिजनेस। अब बिजनेस में जब भी मैं वैल्यूज वगैरह की बात करूँगा, नॉर्म्स वगैरह की बात करूँगा, प्रिंसिपल्स वगैरह की बात करूँगा, तो बेसिकली मैं किन के लिए वो फॉलो करूँगा, ये चीज़ सोचने वाली है। तो जब भी मैं इन चीज़ों की बात करता हूँ तो बेसिकली एथिक्स हम लोगों के बनाए गए, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह है, कस्टमर्स वगैरह है, जितने भी उनके राइट्स वगैरह है वो फॉलो हो पाए, मैं उनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहूँ, मैं हमेशा उनको उनके इंटरेस्ट में बेसिकली काम करूँ। तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स की एक बार एक डेफिनेशन लिख लेते हैं आसान सी। ये हम लोगों को दी थी डब्ल्यू ओ व्हीलर ने बोला, बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी, इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ बिजनेस। जैसे कि हम लोगों ने पहले एथिक्स की बात करी, एथिक्स में क्या है, बेसिकली मैं अपनी रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ कैसे रख रहा हूँ, बाय प्रोटेक्टिंग माय ओन इंटरेस्ट, कि लाइक मेरे लिए जो सही हो मेरे लिए गलत हो। वैसे ही जब मैं बिजनेस एथिक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लाइक सोसाइटी के साथ मैं अच्छा रिलेशनशिप कर पाऊँ, उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ, साथ के साथ ये चीज़ भी देखूँ कि मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, मेरे बिजनेस के लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो बेसिकली आता है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एलिमेंट्स हम लोग जनरल वे में भी समझ सकते हैं, अब तक तो पता लग ही गए होंगे क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जब मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बेसिकली मैं जिनके साथ भी बिजनेस कर रहा हूँ, जो जो पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे वो मेरा कस्टमर हो, मेरा सप्लायर हो, मेरे एम्प्लॉयज़ हो, मेरे को सबके साथ ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है हर स्टेज के ऊपर, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दी गई है। उसके बाद सेकेंड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मेरा मतलब यहाँ पे कोई वैसा डिसिप्लिन नहीं है जैसे पीटी वाला होता था राइट लेफ्ट। डिसिप्लिन से यहाँ पे बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद के ऊपर डिसिप्लिन रखूँ, सेल्फ इम्पोज रखूँ, मैं खुद ही अपने आप को चेक करके रखूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो उसे ठीक करूँ, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन के बाद आता है अगला एलिमेंट जो कि है हेल्पिंग एटीट्यूड। बिजनेसमैन का हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, कई बार उसे प्रॉफिट का ना सोच के बट हेल्प का सोचना चाहिए ताकि फर्दर उसकी इमेज वगैरह अच्छी रहे, उसे अच्छे रिटर्न्स मिले, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में वही ना जेंडर के ऊपर बायसनेस करो, ना रिलीजन पे करो, वो सारी चीज़ें, हर किसी को इक्वली ट्रीट करो, चाहे वो तुम्हारा एम्प्लॉय के मतलब जो लेवल पे हो या फिर जो तुम्हारे कस्टमर्स हो, कभी भी डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में आता है गाइडिंग फोर्स। एथिक्स को मेरे को ये एज अ गाइडिंग फोर्स लेके चलना है। गाइडिंग फोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिकली जो एथिक्स ही है वही मेरे को बता रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो एज अ गाइडिंग फोर्स मेरे लिए काम करनी चाहिए। जब भी मैं कोई डिसीजन वगैरह लूँगा हमेशा मेरे को एथिक्स के बारे में सोच के ही चलना चाहिए। अब देखो हमने एथिक्स समझ लिया, बिजनेस एथिक्स समझ लिया, बिजनेस एथिक्स के हम लोगों ने एलिमेंट्स ले लिए। एलिमेंट्स के बाद दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो आना चाहिए कि इसके कुछ फैक्टर्स भी होंगे जिसकी वजह से एथिक्स जिन पर डिपेंड करता होगा। तो अब हम लोग इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं अलग अलग। सबसे पहले आते हैं सोशल फैक्टर्स। एथिक्स बेसिकली मेरा सोशल मोरालिटी से कंसर्न है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि एथिकल बिजनेस मेरा बेसिकली वो बिजनेस है जो सोसाइटी या सोशली मोरल होता है। बेसिकली मेरे को सोसाइटी के जितने भी ट्रेडिशन, वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह वो सारे फॉलो करने चाहिए, तो यही मेरे सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं कि लाइक जो भी मेरी जिस भी सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ उसके सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके चलूँगा कि वो कैसी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनके क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कस्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें। अब जैसे कि अगर मैं ईस्ट सोसाइटी की साइड यानी कि जो मेरी सऊदी अरब वगैरह की साइड है, अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे बेसिकली जो विमेंस वगैरह है, विमेंस वगैरह को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो जो भी मेरे वहाँ पे बिजनेस का काम होगा वहाँ पे जनरली मेरे को मेल फोर्स मिलेगी। तो अगर बाय चांस कोई फीमेल एम्प्लॉय आती भी है तो मेरे को जस्ट बिकॉज ऑफ दी एथिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा एंड उसका अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंसिडर्ड है। जितनी ज़्यादा मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा मेरा बिजनेस अच्छे से काम करेगा।
ठीक है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में यहाँ पे बेसिकली मेरा बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है कि अगर तुम्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी भी है तो कभी भी फॉल्स चीज़ों को फॉलो मत करो या कोई भी गलत एडवर्टाइजमेंट वगैरह का सहारा ना लो। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने एडवर्टाइजिंग वगैरह के सब्जेक्ट में, जिसमें हम इंडियन एथिक्स वगैरह की बात करेंगे, गलत चीज़ें मत दिखाओ वगैरह, वो सारी आर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तीसरा कल्चरल फैक्टर्स, अगेन कौन से कल्चर में मैं बिज़नेस को अपना ऑपरेट कर रहा हूँ उससे मेरे बिज़नेस एथिक्स निकलेंगे। अगर मैं वेस्टर्न कल्चर में हूँ तो उस हिसाब से मैं अपने बिज़नेस को चलाऊंगा, अगर मैं ईस्टर्न कल्चर में चला जाऊंगा तो उस हिसाब से चलाऊंगा, इंडिया में हूँगा तो इंडियन कल्चर के हिसाब से चलाऊंगा। अब जैसे कि मैं इंडियन कल्चर में आ जाऊंगा तो यहाँ पे जो गॉड्स वगैरह होते हैं उनको सुप्रीम माना जाता है, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा या फिर ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट यूज़ नहीं करूंगा जहाँ पे उनके रिलीजियस बिलीफ हर्ट हो, उनका कल्चरल सेंटीमेंट्स हर्ट। तो कल्चरल फैक्टर्स आ गए। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है नानो का। जो टाटा था, टाटा का नानो का सबसे जो प्लान था इनिशियली उन लोगों को वेस्ट बंगाल में लगाना था, बट वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर थी एंड रूलिंग पार्टी थी टीएमसी एंड ममता बनर्जी, उन्होंने अपोज किया। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से टाटा को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा एंड अपना प्लांट गुजरात लेके आना। तो अगेन ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के होते ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कितनी बड़ी है, इसमें वर्क कल्चर कैसा है, उस हिसाब से मेरे बिजनेस एथिक्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड होंगे। अगर मेरा एक स्टार्टअप है छोटी सी स्टेज में, उसके एथिक्स अलग होंगे एज कम्पेयर टू अ कंपनी लाइक गूगल। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स थे बिजनेस एथिक्स के। इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक देख लिया कि एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट के अलावा यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो, सजेशन हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अलावा यू कैन ऑल्सो मेल अस। उसके अलावा नोट्स वगैरह अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो यू कैन चेक आवर वेबसाइट एट www.collegetutor.net। थैंक यू।